कुछ नए सीखे में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आए एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है नोम चोमिस्की का भाषा विकास का सिद्धांत, नोम चोमिस्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसे हम मनोभाषीय सिद्धांत साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है, कहते हैं हम इसे साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी भी। तो अब तक डेवलपमेंट की अधिकतर सारी ही थ्योरीज को कवर कर चुके हैं। जिन्हें भी वो थ्योरीज पढ़नी है तो हमारी वीडियोस में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली भी जितनी वीडियोस हैं वो उनके अपडेट भी आपको मिलती रहे। हमारी इस वीडियोस को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको नोम चोमिस्की का भाषा विकास का सिद्धांत बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसे मनोभाषीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका आधार जो है जैविक होता है। मैंने आपको बताया कि जो नोम चोमिस्की है इनका जो ये भाषा विकास का सिद्धांत है बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही नए अंदाज से भाषा विकास को समझा है, पढ़ा है और अपनी थ्योरी को डेवलप किया है। कैसे? क्योंकि आज तक जितने भी भाषा विकास के या फिर विकास के जितने भी सिद्धांत आए हैं उनका जो आधार है जैविक नहीं था, जैविक यानी कि बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन नोम चोमिस्की ने अपने इस भाषा विकास के सिद्धांत का आधार को जैविक रखा है, यानी कि बायोलॉजिकल तरीके से उन्होंने स्टडी की है कि बच्चे में बायोलॉजिकली इनहेरिटेड चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो भाषा के विकास को संभव कर पाता है। यानी कि उनका मानना था कि जो बच्चा होता है वो उसके अंदर जन्मजाति ऐसी एबिलिटी होती है कि वो भाषण के कुछ नियमों के साथ पैदा होता है, जिससे वो जो है भाषा के विकास को भाषा को विकसित कर पाता है। तो इनका आधार जैविक था, बायोलॉजिकल था। इनका कहना था कि बच्चा जो है ऐसी शक्तियों के साथ पैदा होता है, बायोलॉजिकल शक्ति के साथ पैदा होता है, क्षमताएं होती हैं उसके अंदर जिससे वो भाषा का विकास कर सके। इनका ये मानना था कि बच्चे में जन्मजात तंत्रीय अवस्था होती है, यानी कि एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ही ऐसा होता है बच्चे के अंदर जो जन्मजात होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वाक्य विन्यास बनाना सीख जाता है, यानी कि सिंटैक्स को बनाना सीख जाता है। बच्चा जो है वाक्य किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से वाक्य को जोड़ना है, इन सब क्षमताओं के साथ बच्चा पैदा होता है, जिसे हम तंत्रीय अवस्था उन्होंने बोला है। और इस प्रक्रमण को भाषा ग्रहण साधन भी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं, LAD भी कभी कभी बोला जाता है और पूछ भी लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि इसे पूरे नाम से ही पूछा जाता है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो ही हमें याद करनी है और उसी के बेसिस पर ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी दो चार टर्मिनोलॉजी है, उसी को हमें समझना है कि उन्होंने किस तरीके से बताया है, क्योंकि इनका जो आधार है वो जैविक है। ये क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये जितनी भी अवस्थाएं उन्होंने कहा है कि जो एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, तंत्रीय अवस्था होती है बच्चे की, जो उसमें इनहेरिटेड होती है, अपने पेरेंट्स के द्वारा आती है, तो वो पूरे सिस्टम को उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। यानी कि इस तरह का LAD एक डिवाइस उसके माइंड में होता है, बच्चे के माइंड में होता है, जो कि जन्म से ही होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वाक्य विन्यास सिंटेक्स को बनाना सीख जाता है। तो अब ये जो वाक्य विन्यास बनाना सीखेगा, बच्चे को वाक्य को कैसे डेवलप करना है, तो उसके वाक्य से पहले एक छोटी टर्म होती है शब्द। तो जो बच्चा है वो शब्दों को कैसे सीखता है, तो इसके बेसिस पे उनका कहना था कि बच्चा जो है जन्मजात ही शब्दों के सीमित सेट के साथ पैदा होता है, और ऐसे जो जिन शब्दों के साथ बच्चा पैदा होता है, सीमित सेट मतलब उसके दिमाग में शब्द जो है पहले से ही अवेलेबल होते हैं, उसको उन्होंने लेक्सिकॉन का नाम दिया है। यानी कि एक तो टर्म होगी कि एक तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आधार जैविक होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मनोभाषीय सिद्धांत कौन सा सिद्धांत होता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, लेक्सिकॉन क्या होता है। लेक्सिकॉन मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चा जो है जिन शब्दों के सीमित सेट के साथ जन्म लेता है उसे उन्होंने लेक्सिकॉन कहा है। तो नेक्स्ट है वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। यानी कि अब हम बात करते हैं कि जो शब्दों को सीमित सेट लेक्सिकॉन के साथ बच्चे पैदा होते हैं, उन लेक्सिकॉन से कैसे बच्चे वाक्य विन्यास करना सीखते हैं। सीखते कैसे हैं कि उन अब जो शब्द है शब्द को मिला मिलाकर एक दूसरे के साथ रख रख कर कैसे बच्चे वाक्य बनाना सीखते हैं,
उसके अंतर्गत क्या क्या व्याकरण आती है, उस व्याकरण को सार्वभौमिक व्याकरण कहा है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। यूनिवर्सल ग्रामर क्यों कहा है कि बच्चा जो है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये बायोलॉजिकल है, जन्मजात होती है बच्चे में ऐसी एबिलिटी, बच्चा जो है जन्मजात लेकर आता है अपने पेरेंट्स के द्वारा, उसके दी जाती है। तो यानी जहां कहीं भी यूनिवर्स में कोई भी बच्चा है उसके उसके पास ये जो व्याकरण की एबिलिटी है, वाक्यों को बनाने की एबिलिटी है, वो एक प्रकार की जो व्याकरण है उसके अंदर सीमित रहती है, और जिसे सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि पूरे यूनिवर्स में वो सेम ही है, हर किसी बच्चे के पास होगी, अवेलेबल होगी, उसी उसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। बच्चों का वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं, यानी कि ये जो नियम है बच्चे के अंदर जो जन्मजात नियम है, उन नियमों को सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। अब आप समझते हैं कि व्याकरण का क्या मतलब है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो शब्द है, शब्दों को मिला मिलाकर जोड़कर किन नियमों से बनता है, उस नियमों को सीखने की जो भाषा है उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। और अगर हम ये बात करते हैं एक पूरे यूनिवर्स में कि सारे यूनिवर्स में सेम ही व्याकरण चलती है तो उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाषा की संरचना को दो भागों में डिवाइड किया उन्होंने। अब जो ये लैंग्वेज है जो बच्चा धीरे धीरे डेवलप करता है जन्मजात, उसके पास लेक्सिकॉन होते हैं, फिर वो वाक्य विन्यास करता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से विद द हेल्प ऑफ सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण की सहायता से वो वाक्य को बनाना सीखता है। तो भाषा की संरचना को वो दो भागों में बांटते हैं नोम चोमस्की जी, एक होती है सतही संरचना और एक होती है गहरी संरचना। सतही संरचना यानी कि सरफेस की, जो वाक्य बच्चा बना रहा है उसमें सरफेस में कौन कौन से शब्द है, जैसे कि संज्ञा क्या है उस वाक्य में, वाक्य में विश्लेषण क्या है, उसकी क्रिया क्या है, इन सभी का ज्ञान को हम सतही संरचना कहते हैं। नेक्स्ट है गहरी संरचना यानी कि डीप नॉलेज, वाक्य के अर्थ का निर्धारण इसी डीप नॉलेज से होता है। अब इसको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। जैसे सतही संरचना में एक आता है, एक एग्जांपल के तौर में लिखते हैं, जैसे एक वाक्य है, इस वाक्य को किसी भी बच्चे ने बनाया है, तो इसे हम पढ़ते हैं रोको मत जाने दो। तो ये क्या है, ये चार शब्द हैं, इन शब्दों को मिलाकर उसने एक वाक्य का निर्माण किया है, किसी भी बच्चे ने एक वाक्य का निर्माण किया है। तो इसमें क्या है, इसमें संज्ञा कौन सी है, संज्ञा इसमें नहीं है, विश्लेषण कौन सा है, इसमें क्रिया कौन सी है, रोको मत जाने दो, रोको जो है इसमें क्रिया है, यानी कि इन शब्द का जो, इन सब चीजों का जो ज्ञान है वो तो आता है सतही संरचना में। अगर हम गहरी संरचना की बात करते हैं तो जो व्याकरण, बेसिक व्याकरण जो आती है जिससे इस वाक्य के अर्थ का निर्धारण होगा, जैसे कि अगर हम कोमा यहाँ लगा देते हैं, सपोज एक कोमा यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, रोको मत जाने दो, है ना। और अगर इसी कोमे को हम हटाकर यहाँ पर लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रोको मत जाने दो, सॉरी रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये होता है कि किस तरीके से गहरी संरचना के आधार पर ही वाक्य के अर्थ का निर्धारण होता है। शब्द वही हैं, सब सारे शब्द वही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस ये आया है कि हमने वाक्य को किस तरीके से समझा है, सिर्फ पढ़ा नहीं है, किस तरीके से उसे बोला है। शाब्दिक जो निर्धारण होता है वो गहरी संरचना के आधार पर ही होता है। जैसे हम इस वाक्य को पढ़ेंगे रोको मत जाने दो, ठीक है, अगर हम इसे ही यहाँ पर हटाकर यहाँ पे कर देते हैं तो इसका मन अर्थ हो जाता है रोको मत जाने दो। दो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पर सेम वर्ड्स के साथ हमें मिल जाते हैं। तो जो बाहर की चार शब्द हैं उनको हम बोलते हैं सतही संरचना, और जो मीनिंग बताते हैं किसी भी चीज का उसे हम बोलते हैं गहरी संरचना। यानी कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसी चीज में होती है कि सतही संरचना से हम गहरी संरचना में कैसे वाक्य का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने जो है, नोम चोमस्की जी ने भाषा की संरचना को दो भागों में बांटा है कि बच्चों में जो है ये दोनों ही चीजें अवेलेबल होती है, व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण सभी बच्चों में होती है, और उसमें ये होता है कि
बच्चा जो है पहले सतही संरचना बनाना सीखता है, उसके बाद जो है बच्चा गहरी संरचना की तरफ बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ सार्वभौमिक व्याकरण। तो ये सब था कि नोम चोमस्की ने भाषा के सिद्धांत का अपना जो बेसिक सरका था, सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज यही है कि उनका आधार जो था जैविक था। उन्होंने अपने सिद्धांत को, थ्योरी को बायोलॉजिकली जोड़ा था बच्चे के साथ, यानी कि जो बच्चा है वो जन्मजात एबिलिटी के साथ, क्षमताओं के साथ, भाषा को विकसित करने वाली क्षमताओं के साथ पैदा होता है। उनमें एक शब्दों का सीमित सेट होता है जिसे हम लेक्सिकॉन कहते हैं, और एक डिवाइस होता है, एलईडी डिवाइस होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वाक्य बनाना सीख जाता है। ठीक है, ये सब थी इसकी टर्मिनोलॉजी और ये सब था इसके भाषा विकास का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं आलोचनाओं की। हम आलोचनाओं की बात करते हैं, आलोचना किस किस कारण हुई है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि उन्होंने जो जन्मजात शब्द जोड़ा है कि जो बच्चे में भाषा का विकास होता है उसके लिए कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं। तो ये जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं उसको उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है, उन्होंने नहीं बताया है कि जन्मजात क्षमताएं बच्चे में कहाँ से होती है, किस तरीके से उनकी आई है वो, मतलब बच्चे में अपने पेरेंट्स के द्वारा आई है, पेरेंट्स का कितना गुण आता है, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा आई है, या फिर कुछ एबिलिटी वो खुद से डेवलप करता है इन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जब धीरे बच्चा जन्म की अवस्था में होता है तब। तो यानी कि पहली जो उनका आलोचना हुई थी वो तो इसी वर्ड पे हुई थी कि जन्मजात से उनका क्या तात्पर्य है, क्योंकि दूसरी जो आलोचना हुई है क्योंकि कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिससे हम कह सके कि ऐसी कोई भी एबिलिटी बच्चों में होती है, जन्मजात ऐसी कोई भी एबिलिटी होती है, ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ ना ही वो दे पाए हैं, ना ही आगे जो स्टडी की गई उनकी इस थ्योरी पर उसमें भी बताया गया कि एलएडी ऐसी कोई भी भाषा ग्रहण साधन बच्चे के दिमाग में नहीं है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर एरिया बच्चे के दिमाग में ऐसा नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि हाँ इस यहाँ से बच्चा जो है भाषा के विकास, भाषा को विकसित करता है। तीसरी बात यह है कि अगर ऐसी कोई भी डिवाइस या कोई भी भाषा ग्रहण साधन है तो बच्चा जो है अपनी आसपास की जो भाषा है उसे ही किस तरीके से सीख जाता है, अपनी देसी, जिसे हम कहते हैं देशी भाषा को। अगर ये सार्वभौमिक व्याकरण है, सार्वभौमिक व्याकरण के द्वारा बच्चा जो है लेक्सिकॉन सेट का यूज करते हुए वाक्य विन्यास बनाना सीखता है तो वो देशी भाषा को कैसे जल्दी सीख जाता है। उन्होंने जो है अपनी इस थ्योरी में ये नहीं बताया है कि जैसे अलग अलग स्थान के बच्चे होते हैं तो वो अलग अलग अपनी देशी भाषा को सीखते हैं। जैसे बच्चे एक प्रॉपर एनवायरमेंट में अगर होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेगा, अगर उसके पेरेंट्स गुजराती बोलते होंगे तो गुजराती को सीखेगा। दूसरे बच्चे इतनी जल्दी नहीं ग्रैप कर पाते हैं गुजराती को, क्योंकि क्यों ये सब होता है, अगर बच्चों के साथ गुजराती सीखने की ही उतनी एबिलिटी है, जन्मजात एबिलिटी है, और इंग्लिश सीखने की ही उतनी जन्मजात एबिलिटी है, तो बच्चे जो है अपनी देशी लैंग्वेज को क्यों इतनी जल्दी सीख जाते हैं अगर उनका इफेक्ट बाहर के एनवायरमेंट पर नहीं पड़ता है। तो यही थी इनकी तीन आलोचनाएं जो कि नोम चोमस्की जी की हुई थी। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी नहीं है लेकिन फिर भी इस पर बहुत सारे कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यही था हमारी आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।